मंदिर बनने की खुशी में दीप जलाए गए एवं मिठाइयां बांटी गईं। आज राम जन्मभूमि शिलान्यास के अवसर पर चिरमिरी में भी राम भक्तों का उत्साह देखने को मिला, जहां चिरमिरी में राम भक्तों द्वारा दीप जलाकर एवं मिठाइयां वितरित कर राम मंदिर के निर्माण की खुशी जाहिर की गई। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के चलते भले ही भारतवर्ष के लोग राम भूमि अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपनी खुशी का पैगाम देते हुए भारतवर्ष के हर कोने को ही दीप जलाकर राम जन्मभूमि का स्वरूप दे दिया। ऐसा ही कुछ नजारा चिरमिरी में भी देखने को मिला, जहां राम मंदिर के निर्माण में लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हर तरफ खुशी का माहौल एवं दीप जलाकर मिठाइयां बांटकर राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की खुशी को दर्शाया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में चिरमिरी में उत्सव का माहौल देखने को मिला। उत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक उत्सव बहुत सौहार्दपूर्ण रहा और हम लोग का बहुत दिनों से इच्छाएं थी एक भव्य मंदिर बने अयोध्या में, उसका हम लोग को आज प्रतिफल सामने देखने मिला। और चिरमिरी की जनता, जिसका हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि इतनी जनता सामने आएगी, सहयोग करेगी, और सबने अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया और आज उसका परिणाम हमको हल्दीबाड़ी स्कूल में देखने को मिला। समस्त नगरवासियों को, समस्त सहयोगियों को, सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे परम पूज्य जय श्री राम जी के पूजन में ऐसे ही सभी लोग सहयोग बनाए रहे हैं और परम पूज्य रामचंद्र जी के आचरणों का पालन करते हुए एक सभ्य और राम राज्य की स्थापना करने में सहयोग करें। उत्सव का एक माहौल बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना? भैया मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये उत्सव का माहौल हमारी बहुत पुरानी प्रतीक्षित मांग थी, राम मंदिर जो 500 साल बाद हमको यह मौका मिला है और कहीं ना कहीं कितने लोगों की मेहनत का फल का नतीजा है। और भैया मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आज पूरे भारतवर्ष के लिए पूरे गर्व का दिन है, क्योंकि 500 वर्षों की पुरानी मांग सभी भारतवासियों की, सभी हिंदुस्तान वासियों की आज पूर्ण हुई है। अयोध्या में श्री राम जी के स्थापना का आज भूमि पूजन माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और चिरमिरी में भी हमारे भाई चंदन गुप्ता जी के द्वारा एक पहल प्रयास कि 5001 दीपक जलाने का इन्होंने प्रतिज्ञा किया। और आज सुबह ही हम सब बैठे, युवा साथी भी थे, सभी वरिष्ठ भी थे, और सभी ने डिसाइड किया कि ग्राउंड में ही इस कार्यक्रम को करते हैं, और सभी के सहयोग से भाई चंदन गुप्ता जी के सोच के द्वारा मिष्ठान वितरण का भी और 5001 दीप का इनका लक्ष्य था, लेकिन वह दीपक 5500 से भी अधिक दीपक आज इस स्थान पर जल रहा है। और हम सभी भारतवर्ष में आज सभी भारतवासी एक पर्व के रूप में श्री रामचंद्र जी के भूमि पूजन को मना रहे हैं, और इसी कार्यक्रम के तहत चिरमिरी में भी यह कार्यक्रम यहाँ स्थापित हुआ, अन्य जगहों पर भी हो रहा है। तो आज सभी को श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के अवसर पर हम सभी चिरमिरी वासियों की ओर से सबको बधाई प्रेषित करते हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी की ओर से चंदन भाई का, गुप्ता जी का करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी सोच की। राकेश भी अभी सुबह से लगे थे, बहुत सुकुमार चटर्जी जी भी थे, उमा शंकर भैया भी थे, सभी युवा साथी भी थे बहुत से, और बहुत सभी का सहयोग मिला। तो आज एक वातावरण देखिए, किसी को कोई बुलाया नहीं था, लेकिन आज स्वेच्छा से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ पे आए और श्री राम जी के भूमि पूजन के अवसर पर इस उत्सव में शामिल हुए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का मौका